그죠? आज आपने टीकाकरण की रथ को रवाना करते हुए देखा होगा। जी हम ये नहीं कहते कि हमने आमूलचूल परिवर्तन कर दिया, लेकिन इस बात का हम दावा करते हैं कि हम परिवर्तन की ओर, सुधार की ओर तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 108 सभी जिलों में हमने उपलब्ध करा दी। मध्य प्रदेश अब देश का ऐसा राज्य बन गया है जहां पर हमने बाकी की और सारी एम्बुलेंस को, गाड़ियों को एक कॉल सेंटर 108 से जोड़ा है, और इस तरह से हर ब्लॉक में 6 से 8 गाड़ी आज की तारीख में उपलब्ध है। किसी भी गांव में 15 से 20 मिनट के अंदर एम्बुलेंस उपलब्ध हो, ये हमारी कोशिश है, और इसमें आप देख रहे होंगे हर क्षेत्र में हम लगातार सफल भी हो रहे हैं। अकेले 108 सेवा की बात नहीं है, निःशुल्क चिकित्सा की दृष्टि से निःशुल्क दवाइयां, 2.5 से 3 लाख मरीज रोज लाभान्वित हो रहे हैं इस प्रदेश के अंदर, उनको निःशुल्क दवा दी जा रही है, सफलतापूर्वक दवा दी जा रही है। आप सब साक्षी हैं, इस तरह की कोई गंभीर अनियमितता की शिकायत अभी नहीं मिली है। निःशुल्क जांच इस प्रदेश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की इतनी सारी जांचें एक साथ एक स्थान पर करने वाला ये हमारा पहला राज्य है कि जिसमें इतनी सारी जांचें एक साथ की जा रही हैं, और वो भी सफलतापूर्वक की जा रही हैं। आप सब साक्षी हैं, गंभीर अनियमितता की कोई शिकायत अभी तक नहीं मिली है। आप सबको समग्र स्वास्थ्य के बारे में जानकारी होगी, लगभग 54,000-53,000 गाँव के अंदर हमारे वो सेंटर प्रारंभ हो गए हैं और उन सेंटरों पर काम चालू हो गया है। आरोग्य केंद्र सभी जगह पे आरोग्य केंद्र प्रारंभ हो गए हैं। हमारा ममता अभियान, हमारा आस्था अभियान, ये सारे अभियानों के माध्यम से, इस आपको भी मालूम है कि अभी हमारे पास डॉक्टरों की कमी थी, लेकिन उसके बावजूद भी फर्स्ट एड ठीक मिले, दवा ठीक मिले, चिकित्सा सुविधा ठीक मिले, कम संसाधनों में भी हम ज्यादा लोगों तक पहुंचकर इस प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं को लाभ लोगों तक पहुंचा सकें, ये हमारी कोशिश है जो आप सबके सामने हमने रखी है। राज्य में 20 लाख बच्चों को और महिलाओं को हम टीका लगाते हैं, तो हमारे पास प्रत्येक जिले में ये टीका रथ संचालित है जो दवाइयों को गांव तक पहुंचाने का काम करते हैं और गांव से गांव की सूचनाओं को मुख्यालय तक लाने का काम करते हैं। तो जो कोल्ड चेन, ये हमारे कोल्ड चेन के टीका रथ हैं और इनके माध्यम से हम वैक्सीन्स को गांव तक पहुंचाते हैं जहां ये टीका लगाए जाते हैं। तो ये टीका रथ हमारे बहुत ही उपयोगी और अच्छे माध्यम है और इनका आज मंत्री ने लोकार्पण किया है और ये जाके गाँव में काम करेंगे।